हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संतोष चौबे। लेट्स बिगिन करंट अफेयर्स क्लास ऑफ टुडे। चलिए आज के हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग वैदिक मंत्रोच्चारण करेंगे। हरिओ सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनो अवधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय विद्यार्थी, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, टुडे इज 24th मार्च 2023, बट स्टरडे वी ऑब्जर्व मार्टो डे इन इंडिया। आज 24 मार्च है, लेकिन हम लोगों ने कल 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में दो दिन हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में, पहला है 30 जनवरी और दूसरा है 23 मार्च। 30 जनवरी इज द डे ऑन विच महात्मा गांधी वाज एसेसिनेटेड बाई नाथूराम गोडसे, एंड ऑन 23rd मार्च 3 एमिनेंट और रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव वर हैंग्ड बाय द इंग्लिश विद वेरी क्रूएल हैंड्स। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग भारत में दो दिन मनाते हैं शहीद दिवस। एक तो आपका है 30 जनवरी जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी, और दूसरा है आपका 23 मार्च जब 1931 में भारत के तीन महान क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने बहुत ही निर्दयता के साथ में, बड़ी क्रूरता के साथ में उन्हें फांसी पर लटका दिया था। आखिर क्या ऐसी बात है भगत सिंह जी में, क्योंकि फांसी पर चढ़ने, फांसी के फंदे पर, फंदों को चूमने वाले, फांसी पर चढ़ने वाले तो बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, बहुत सारे इनकलाबी हुए। क्या ऐसी बात है भगत सिंह में जो उनको अन्य लोगों से बिल्कुल अलग कर देती है, जो उनको पहली पंक्ति में लाकर, देशभक्तों की पहली पंक्ति में लाकर खड़ी कर देती है। तो मैं आपको इतिहास में लेकर ज्यादा जाना नहीं चाहता, बस मैं थोड़ी सी बातें आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग को अभी आगे जो टॉपिक पढ़ना है उसमें टाइम भी कम रहता है हमारे पास। तो मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह जी जो लाहौर षड्यंत्र केस में जब उनको अरेस्ट करके और उन्हें जेल में डाल दिया गया, और इसके बाद उनको फांसी की जो सजा सुना दी गई, तो जब फांसी की उनकी सजा सुनाई गई तो यह अंतिम दिन था जब उनको फांसी होनी थी, वह था 24 मार्च 1931। लेकिन जिस प्रकार से भगत सिंह जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी, द इंग्लिश बिकेम वेरी फियरफुल, अंग्रेज बड़े ही डर गए थे, और उन्होंने, और वो जानते थे कि अगर उन्होंने फांसी नियत समय पे दिया तो हो सकता है कि लोग जेल तोड़ करके अंदर आ जाए, इसलिए उन्होंने 11 घंटे पहले ही भगत सिंह जी को फांसी पर लटका दिया। जब भगत सिंह जी की फांसी होनी थी तो उनके जो अधिवक्ता है, जैसा कि नियम है अधिवक्ता को बुलाया जाता है, तो उनके अधिवक्ता को बुलाया गया जिनका नाम था प्राणनाथ मेहता। भगत सिंह जी को यह जानकारी हो गई थी कि अभी उनको फांसी होनी है, और जब उनके अधिवक्ता आए तो भगत सिंह जी ने मुस्कुरा करके उनका अभिवादन किया और उनसे पूछा कि मैंने आपसे कुछ लाने को कहा था, आप वो लेकर के आए या नहीं। और प्राणनाथ जी को उन्होंने, जो प्राणनाथ मेहता थे, उनसे उन्होंने एक किताब लाने के लिए कहा था जिस किताब का नाम था क्रांतिकारी लेनिन अर्थात रिवोल्यूशनरी लेनिन। प्राणनाथ जी ने कहा कि मैं वो किताब आपके लिए लेकर आया हूँ। भगत सिंह जी उस किताब को तुरंत पढ़ने बैठ गए, क्योंकि वो जानते थे उनके पास वक्त नहीं है। दोस्तों आप सोचो वो कैसा इंसान होगा जो अभी अभी फांसी के फंदे पर लटकने जा रहा हो और वह व्यक्ति किताबें पढ़ रहा हो। कहते लाहौर के आसपास ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं होगी जिसकी किताबों पर भगत सिंह जी के जो उनकी जो उंगलियां हैं उन उंगलियों के निशान ना हो। हालांकि उनको किताब पढ़ने का मौका पूरा नहीं मिल पाया और एक चैप्टर भी नहीं पढ़ पाए थे कि वहां से वार्डन आया चरत सिंह को लेने के लिए। तो उस चरत सिंह ने उनसे कहा कि आप वाहेगुरु का नाम लो, क्योंकि देखो भगत सिंह जी ऐसे पर्सनालिटी हो गए, जैसे व्यक्तित्व हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि हर एक इंसान को कि उसके घर का बेटा मारा जा रहा हो।
उसके घर के बेटे को फांसी चढ़ाई जा रही हो। और देखो यही बात होती है, हम आप जैसे साधारण लोग जब मरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ परिवार वाले दुखी होते हैं, जब क्रांतिकारी मरते हैं तो पूरा समग्र देश पूरा विश्व ही अश्रु बहाने लगता है। तो चरण सिंह जी ने कहा कि आप अंतिम समय है, वाहे गुरु का नाम ले लो। भगत सिंह जी ने कहा कि बाबा आप कह रहे हो आपने बड़ा मुझे प्यार किया है, मैं जरूर ले लेता नाम, लेकिन मैं जीवन भर नास्तिक रहा। मेरी उम्र भले ही 23 साल है लेकिन इस उम्र में जो भी मैंने अनुभव किया उस अनुभव के आधार पर मैंने भगवान को मान्यता नहीं दी। और उसके पीछे उनका कारण यह था, वो कहते थे कि मैं भगवान को इसलिए नहीं मानता क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी बहुत मुश्किलों के बाद भी मुकम्मल नहीं हो पा रही है, तो इस कारण से भगत सिंह जी जो है वो ईश्वर को मान्यता नहीं देते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने अंतिम समय में यदि ईश्वर का नाम ले लिया तो ईश्वर भी सोचेगा भगत सिंह कैसा कायर है। और इनकलाब हमारा, जिस इनकलाब के लिए मैं अपनी जानों प्राणों की बलिदान कर रहा हूं, वह इनकलाब ही कहीं न दब कर समाप्त हो जाए क्योंकि इनकलाबियों को मरना ही पड़ता है। जब सच्चर सिंह, भीम सिंह सच्चर जो कांग्रेसी नेता वहां बंद थे, और जब भगत सिंह जी जाने लगे फांसी के लिए, तो भीम सिंह सच्चर जी ने कहा आपने क्यों नहीं पैरवी करवाई अपनी। उन्होंने कहा कि महाशय क्रांति बलिदान मांगती है, क्रांति बलिदान मांगती है, और जब कोई क्रांतिकारी मरता है तो बलिदान उसका जो है क्रांति, उसका जो इनकलाब है, उसकी जो क्रांति है, क्रांति और भी तेजी से धधकती है, क्रांति और भी आगे बढ़ती है। बिना क्रांतिकारियों के बलिदान के कोई भी क्रांति अमर नहीं हो सकती, कोई भी क्रांति जो है अपने अंतिम परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकती। जब प्राणनाथ मेहता ने कहा कि डू यू हैव एनी मैसेज फॉर द कंट्री इन द लास्ट टाइम, अंतिम समय आपका है देश के लिए, कोई भी आपके पास, कोई आपके पास कोई संदेश है क्या? उन्होंने कहा मेरे पास दो संदेश है। पहला नंबर एक कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। जो लोग इस धराधाम को प्रताड़ित करते हैं, जो लोग यहां के लोगों के पर जुल्म उठाते हैं, जो लोग कुदृष्टि रखते हैं दूसरों के ऊपर, ऐसे लोगों का नाश होना चाहिए, ऐसे देश का नाश होना चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति ऐसे विचार वाले देशों का नाश होना चाहिए। उनका साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और जो क्रांति है, जो क्रांति होती है सदा परिवर्तन के लिए, और वह क्रांति जो है हमेशा जिंदा होनी चाहिए। उनका साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, क्रांति जिंदाबाद, क्रांति जिंदाबाद। तो भगत सिंह जी आप समझ सकते हो कि जिस व्यक्ति को फांसी लगाए जाने की बात हो रही हो, अभी अभी फांसी पर चढ़ना हो, उस व्यक्ति, वह व्यक्ति कितना निडर, कितना निडर व्यक्ति था आप समझ सकते हो। हमसे आपसे कोई जिंदगी का थोड़ा वक्त मांग ले, कोई हमसे आपसे कुछ पैसे मांग ले, वी हैव सो मैनी एक्सक्यूजेज, हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं। हम तो दूसरों के लिए के पैसे भी हम लोग लौटा नहीं पाते, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने। कैसे लोग होंगे भगत सिंह जैसे लोग जिन्होंने अपने वर्तमान को कुर्बान कर दिया हमारे भविष्य को संवारने के लिए। आज हम लोग जो एक आज़ाद मुल्क में जो हम सांसें ले रहे हैं, जो हम आज लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जी रहे हैं, जो हम अपने अधिकारों के साथ में जो हम जिंदा हैं, इसके पीछे अगर किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ है तो वे वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने इस ऐसी व्यवस्था को बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। इसलिए ऐसे भगत सिंह जैसे लोगों को हम सब सब नमन करते हैं, हम सभी विद्यार्थी, हम शिक्षक सभी विद्यार्थी की तरफ से उनको प्रणाम करते हैं। और मैं अपनी कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। कभी कभी मैंने क्लास में कविता सुनाई थी, लेकिन जो विद्यार्थी मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अभी अभी, वो कनेक्ट हुए, नए कनेक्ट हुए हैं, तो मैं उनके लिए भी ये कविता बताना चाहूँगा कि भगत सिंह जी की आत्मा देखो क्या सोचती है कि क्या जानूं ये देशवासियों कि क्या खोया हमने इस आजादी में, आज भी सशक्ति हमारी आत्मा इसी भारत की वादी में। कई मान उजड़े, कई गोद लूटे, वीरान कई घर आंगन हुए, अपने अरमानों की हमने होली खेली और कई आंखें सावन हुए, हंसते हंसते झेल गए हम अंग्रेजों के अत्याचारों को, हंसते हंसते झेल गए हम अंग्रेजों के अत्याचारों को, पर दग्ध होता है दिल देख तुम्हारे कृतज्ञ विचारों को, अंग्रेजों ने लाख लूटा हमको पर लूटा न कभी अपने देश को, उनसे भी जहरीले हो तुम जो ढस रहे हो अपने ही परिवेश को, मत बहाओ इस देश की दौलत को, राष्ट्रीय महत्वों के नाम पर एक दिल का दिया ही काफी है, इन खुशियों के साम पर माँ का भाषा ऊंचा रहे, विकास का मारना रुका रहे, तू
तुम रहो ना रहो पर तिरंगा न कभी झुका रहे, जय हिंद जय भारत। चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज के जो क्लास हम लोग आरंभ होगा, यह क्लास हमने भगत सिंह जी के ही जीवन से मैंने एक दो पहले क्वेश्चन लिए हैं, इसके बाद फिर मैं आप आगे आता हूं। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन प्रश्न पर। आपके स्क्रीन पर यह पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भगत सिंह के द्वारा किस छद्म नाम या नामों का प्रयोग किया जाता था। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेम वाज यूज्ड बाय भगत सिंह एज अ स्यूडोनिम नेम। भगत सिंह के द्वारा निम्नलिखित में किन नामों का प्रयोग किया जाता था छद्म नाम के रूप में। ए बलबीर, बी रंजीत, सी विद्रोही और डी इनमें से सभी। आपको अपने विकल्प कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। आप अपने नाम अपने नाम के साथ में आप अपने कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करिए। तो निम्नलिखित में भगत सिंह के द्वारा किस छद्म नामों का प्रयोग किया जाता था। ए बलबीर, बी रंजीत, सी विद्रोही और डी इनमें सभी। मैं तो बताना चाहूंगा कि भगत सिंह जी न सिर्फ बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने काम किया, उनका उसने प्रकार उन्होंने उन्होंने संपादन का कार्य भी किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि भगत सिंह जी अपने दोस्तों को साथ में भी पत्राचार हमेशा किया करते थे। चूंकि अंग्रेजों से उनको बचना था, इसलिए अंग्रेजों से बचने के लिए वे कुछ छद्म नामों का प्रयोग करते थे, और उनके जो छद्म नाम थे वो उनका नाम बलबीर था, रंजीत था, विद्रोही था। तो आंसर आपका जो पहला प्रश्न है, इस पहले प्रश्न का जो आपका आंसर हो गया वो आंसर इसमें हो गया आपका सही। जो आंसर है वो आंसर हो गया डी सही। निम्नलिखित में से भगत सिंह द्वारा किन छद्म नामों का प्रयोग किया जाता था, तो आंसर हो गया डी। और आपकी परीक्षा के लिए मैं कुछ आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बता देता हूँ, एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ। कि पहला जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो लाहौर सरेंडर केस था उसमें जो भगत सिंह जी थे, भगत सिंह जी का के जो अधिवक्ता थे उन अधिवक्ता का क्या नाम था अभी तक पूछा नहीं गया क्वेश्चन, लेकिन मुझे लगता है कि क्वेश्चन जो है आने के लायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राणनाथ मेहता। दूसरा एक प्रश्न और बन सकता है कि जब भगत सिंह जो फांसी हो रही थी तो लाहौर सेंट्रल जेल बनते, तो वहां पर जो वार्डन था उस वार्डन का नाम क्या था। उस वार्डन का नाम था चरत सिंह। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि निम्नलिखित भगत सिंह के द्वारा किस छद्म नाम का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो गया बलबीर, रंजीत और विद्रोही। इन सभी नामों का प्रयोग किया जाता था जब जेल में बंद थे, तो वहां पे उनके जो पैरवी कर रहे थे उस अधिवक्ता का नाम था प्राणनाथ मेहता, और जो वार्डन थे वहां पे जेल में उसका नाम था चरत सिंह। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह तथा उनके साथियों के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी हत्या की गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग वे आर मर्डर्ड बाई भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट्स। भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी हत्या की गई थी। ए है साउंडर, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, यह जो है यह सैंडर्स होगा। तो पहला हो गया आपका यहां पे सैंडर्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए भगत सिंह जी जो साइमन कमीशन भारत में आया, और जब साइमन कमीशन भारत में आया तो साइमन कमीशन के सभी साथ के साथ सदस्य जो है वो अंग्रेज थे, एंड दैट इज वाई दे वेयर अपोज्ड इन इंडिया। भारत में उनका विरोध किया गया, और यही ऐसा ही विरोध हो रहा था लाहौर में, और वहां पे लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में वह भीड़ जो है विरोध कर रही थी। वहां पे लाठीचार्ज किया गया जिससे लाला लाजपत राय जी गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः उनका देहावसान हो गया। जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसने प्रण किया कि जिन लोगों ने लाला लाजपत राय को मारा, जिनकी लाठियों से लाला लाजपत राय की हत्या हुई है, हम उनको जिंदा नहीं रहने देंगे। और उस प्रकार से वो हत्या की प्लानिंग की गई थी, और ये हत्या जो हुई वह हो गई थी सैंडर्स की हत्या, जो थे वहां के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हालांकि जो वहां पे लाठीचार्ज करने व्यक्ति था वो स्कॉट था, लेकिन गलत पहचानी के कारण से, गलत निशानदेही के कारण से यहाँ पे सैंडर्स की हत्या हो गई, और मारा जाना था स्कॉट को लेकिन सैंडर्स की हत्या हुई। लेकिन बताना मैं चाहूंगा कि जब सैंडर्स को पहली गोली राजगुरु ने मारी और इसके बाद वो जब भागने लगे, तो इसके बाद भगत सिंह जी ने क्या किया, उन्होंने पूरी की पूरी उनके जो 0.32 mm की जो पिस्टल थी उसकी पूरी गोली उन्होंने उस पर उतार दिया। इसके बाद
उन दोनों के को भगत सिंह और जो राजगुरु थे उनको उनका पीछा किया एक हेड कांस्टेबल ने जिसका नाम था चानन सिंह, जिसका नाम था चानन सिंह। भगत सिंह राजगुरु फ्रंट पे थे और जो चंद्रशेखर आजाद थी आजाद थे वो उनको कवर कर रहे थे। और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी बहुत ही साफ शूटर थे, उनकी उन्होंने गोली चलाई और उस गोली से चारण सिंह की हत्या हो गई। इस प्रकार से भगत सिंह के ऊपर सिर्फ सैंडर्स का ही केस नहीं चल रहा था, चारण सिंह के भी हत्या का केस चल रहा था। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आंसर जाएगा ए और बी, यहाँ पर गलत विकल्प टाइप हो गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी और ए और बी, तो यहाँ पर जो आंसर हो गया आपका ये हो जाएगा ए एंड बी, ए एंड बी। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो गया कि भगत सिंह था उनके साथियों के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी हत्या की गई थी, आंसर हो जाएगा डी ए और बी। चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन पर आने के पहले, इस क्वेश्चन पे आने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी अभी भारत के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी को सूरत की एक न्यायपालिका ने, सूरत के न्याय कोर्ट ने उनको 2 वर्ष के कैद की सजा सुना दी। यह मामला यह था कि जो राहुल गांधी जी हैं इन्होंने 2019 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन था, जो संसदीय चुनाव थी, उस संसदीय चुनाव में उन्होंने कर्नाटक में भाषण में कह दिया कि ऑल मोदी, इट सीम्स दैट ऑल मोदीज आर थीप्स, ऐसा लगता है कि सभी मोदी चोर हैं। फिर इसके बाद 2021 में राहुल गांधी के ऊपर सूरत के कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने वाले व्यक्ति थे पूर्णेश मोदी, पूर्णेश मोदी वहां के एमएलए, और उन्होंने यह कहा कि उन्होंने मुकदमा किया कि यह जो है दिस इज द डिफेमेशन ऑफ द कास्ट ऑफ मोदी, यह मोदी जाति है, उस मोदी जाति का यह मानहानि है। कैसे कोई व्यक्ति किसी कास्ट को का नाम लेकर के यह कह सकता है कि उस कास्ट के सभी लोग, ऐसा लगता है कि वो चोर है। मैं आपको एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि देखो दुनिया का के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोग हों, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के कारण से कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं होता। एंड नोबडी शुड बी क्रिटिसाइज, नोबडी शुड बी अटैक ऑन द नेम ऑफ हिज कास्ट और रिलीजन, किसी व्यक्ति को जाति या धर्म के नाम पर उसे उसको किसी भी तरीके से उस पर उसकी निंदा करना या उसको उसको जो है उसको उसका उसकी निंदा करना या उस पर आक्रमण करना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे देखो राहुल गांधी से गलतियां हुई, उन्होंने उनको इस प्रकार का बयान दिया। सूरत हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान ले, सूरत सॉरी हाई कोर्ट ने, सूरत के वहां पर न्यायालय न्यायपालिका ने जो है वहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, और संज्ञान लेते हुए यह पाया कि राहुल गांधी जो है वह दोषी है, उन्होंने मानहानि किया है मोदी कास्ट का, इसलिए उनको दंडित किया जाएगा और उनको 2 वर्ष के कैद की सजा सुना दी गई। अब देखो जब किसी व्यक्ति को 2 वर्ष के कैद की सजा हो जाती है तो सजा होने के बाद वह व्यक्ति अगर मंत्री के पद पर है या वह सांसद है, विधायक है, वो जो भी जनप्रतिनिधि है, तो वह तुरंत वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो अयोग्य मान लिया जाता है। लेकिन वर्ष 2013 के पहले ऐसा नहीं था। वर्ष 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक मामले में जो मामला था थॉमस लिली बनाम भारत संघ के बाद, उस बाद में यह कहा कि जो व्यक्ति है वो अब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन इसके पहले क्या होता कि 3 माह तक का समय होता था, 3 माह के समय तक अपील के लिए वक्त दे दिया जाता था और वह व्यक्ति 3 माह तक डिस्क्वालीफाई नहीं होता था, मतलब वह संसद का सदस्य है, विधायिका का सदस्य है, तो संसद या विधानसभा में जा सकता है और अपने मंत्री पद को रख भी सकता है। लेकिन वर्ष 2013 से यह सुविधा जो है समाप्त कर दी गई। तो यहाँ पे सवाल यह है कि जो यह सुविधा मिलती थी सांसदों और विधायकों को वह किसके माध्यम से मिलती थी, तो उसका आंसर है रिपीबल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। सवाल यह है उसकी धारा कौन सी है जिसको थॉमस लिली बनाम संघ के बाद में जनप्रतिनिधि अधिनियम की किस धारा को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था, तो आंसर यहां पर हो जाएगा 8(4), जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है जो यहां पर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, तो यह पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की का
कि जो धारा नंबर है 8484 यह कहता था कि अगर इफ एनी बॉडी इज डिस्क्वालिफाइड, इफ एनी बॉडी इज हेयर कन्विक्टेड, अगर किसी व्यक्ति को अपराध सिद्ध घोषित कर दिया जाता है तो देन ही शैल बी गिवेन 3 month टाइम, उसको 3 महीने का समय दिया जाएगा, एंड एट वंस फोर्थ विथ ही शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, और तुरंत वह जो है अयोग्य नहीं हो जाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति को सजा मिल जाती है तो सजा मिलने के बाद अपराधी हो गया, फिर वह कैसे जनप्रतिनिधित्व का कार्य कर सकता है, इसलिए उस व्यक्ति की जो सदस्यता होगी वह तुरंत समाप्त हो जाएगी। तो यहां पर बताना चाहूंगा कि थॉमस लीए ब्रामसन के बाद में जनप्रतिनिधित्व की जो धारा थी 8(4) उसको यहां पर अवैध घोषित कर दिया गया। और चूंकि राहुल गांधी जी के वो जो सजा दे दी गई 2 वर्ष की, तो इस कारण से वह डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, वह लोकसभा के लिए डिस्क्वालीफाई सदस्य हैं, वह उसको उनको इस आधार पर उनको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाएगा। हालांकि उनको 30 दिन का समय की गिरफ्तारी नहीं हुई, 30 दिन का उनको टाइम दिया गया, आगे वो अपना अपना जो है वो आगे का आगे जो है वह आगे कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है उनके इसका, तो वह कि उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन की, तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे अगर देखा जाए तो इस नियम के हिसाब से ही इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत राहुल गांधी को 2 वर्षों की सजा सुनाई गई है, बाई विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड राहुल गांधी हैज बिन कन्विक्टेड फॉर 2 years इंप्रिजनमेंट, राहुल गांधी को 2 वर्ष की कैद सजा किस धारा के माध्यम सुनाई गई, ए है 498, बी है 499, सी है 500, डी है बी और सी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 में जो 511 धाराएं हैं, इन धाराओं में अलग अलग प्रकार के अपराधों के बारे में बात की गई है और उसके लिए सजा के प्रावधान किए गए हैं, सजा के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पे जो धाराएं हैं, जो 498 धारा की बात अगर की जाए, तो यह जो 498 धारा है इसका जो संबंध है, इसका संबंध है आपके परजरी से, इसका संबंध है जाता से, सॉरी एडल्ट्री से, जाता से इसका संबंध है, तो यह यहाँ पर तो आएगा नहीं। जो 499 है ये बात करता है डिफेमेशन के बारे में, कि कोई भी व्यक्ति स्पोकन वर्ड्स या रिटन वर्ड्स के द्वारा, बोले गए शब्द या लिखे गए शब्द के द्वारा किसी भी जाति या व्यक्ति का वो मान मर्दन करता है, तो ऐसा व्यक्ति दोषी माना जाएगा कि उसने मानहानि किया है। और 500 जो आईपीसी की धारा 500 है वह कहता है जो व्यक्ति किसी को डिफेम करेगा उसके लिए उसे 2 years का इंप्रिजनमेंट या फाइन या फिर दोनों लिया जाएगा। तो यहाँ पर आज भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत राहुल गांधी को 2 वर्ष सजा सुनाई गई, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा 400 बी और सी दोनों, मतलब आंसर डी सही हो गया कि राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के आधार पर उनको दोषी माना गया है और दोषी मानते हुए उन्हें 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस कंपनी के नाम पर बेडिक्विलिन दवा का पेटेंट है। देखो मैं बताना चाहूंगा कि जो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी है, एक समय ऐसा था यह दुनिया की ऐसी बीमारी थी जिससे सबसे अधिक लोग मारे जाते थे। आज भी पूरी विश्व की बात करेंगे तो लगभग 1 करोड़ जो है लोग ऐसे हैं जिनको ट्यूबरकुलोसिस या टीबी है, जिसमें सबसे अधिक संख्या जो है 28 लाख की संख्या जो है ये भारत में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीबी या ट्यूबरकुलोसिस है उसमें से क्या होता है कि जो बेसस ट्यूबरकुलाई है वह कभी कभी कुछ केसेस में वह हो जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, मतलब कुछ दवाएं जो हैं उस पर असर ही नहीं करती। तो ऐसी टीबी जिस पर दवाएं असर नहीं करती उस पर एक दवा असर करती है जिसका नाम है बेडिक्विलिन। 2012 में इस दवा का पेटेंट किया गया था अमेरिका में और 2014 में इस दवा का पेटेंट मिल गया भारत में। अब यहाँ पे मैंने सवाल बना रखा है कि किस कंपनी के नाम पर बेडिक्विलिन दवा का पेटेंट है। ए कंपनी का नाम है ल्यूपिन, बी है रेनबैक्सी, सी है जॉनसन एंड जॉनसन और डी है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि यहां पर इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है जॉनसन एंड जॉनसन। ये अमेरिका की कंपनी है जिसको 2012 में या इस दवा का पेटेंट मिला था, 2014 में इसको भारत में पेटेंट मिला और 2023 तक इसका पेटेंट था। इस पर जो है मुकदमे चल रहे थे और मुकदमा मतलब इस पर जो है
पेटेंट ऑफिस में इस पर जो है प्रकाश से मुकदमा डाला गया था कि यह जो दवा है बेडिक्विलिन, इस दवा में इन्होंने जिस सॉल्ट का प्रयोग किया है वह सॉल्ट जो है भारतीय पेटेंट के क्लास की जो धारा है तीन, धारा नंबर तीन है, वो उसका उल्लंघन कर रही है, क्योंकि जो फ्यूमरेट सॉल्ट है यह कोई भी नई चीज नहीं है। उन्होंने क्या किया, इन्होंने उसी को उलट पलट करके यह दवा बना दी, इसलिए इनको यहाँ पर पेटेंट नहीं मिलना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा कि अभी भारत की जो पेटेंट ऑफिस है, पेटेंट कार्यालय है, उस पेटेंट कार्यालय ने यह निर्णय लिया है कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को यह जो सुविधा दी जा रही थी, अब यह जो पेटेंट दिया गया था यह पेटेंट जुलाई 2023 में समाप्त हो रहा था, इसकी अवधि आगे बढ़ाई नहीं जा सकेगी। कारण यह है कि इसमें जो सॉल्ट का प्रयोग किया था फ्यूमरेट सॉल्ट, या जो फ्यूमरेट सॉल्ट है या फ्यूमरेट सॉल्ट कोई भी नई चीज नहीं है, और इस कारण से इनको यह जो पेटेंट दिया गया भारत में यह पेटेंट जो है सही भी नहीं था। चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे आगे कि भारत में देखिए जब पेटेंट की आप बात करोगे तो 1856 में भारत में सबसे पहले पेटेंट का कार्यालय खोला गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ इसमें काफी चेंजेज आए। फिर अंग्रेजों ने 1911 में कानून बनाया, जब भारत को आजादी मिल गई तो 1970 में हम लोगों ने पेटेंट का नया कानून बना दिया। प्रोसेस और प्रोडक्ट दोनों के पेटेंट भारत में मिलते हैं। अलग अलग देशों के लिए पेटेंट के अलग अलग कार्यालय हैं, अलग अलग उसके नियम हैं, और अलग अलग उसके माध्यम से वहां पर प्रोटेक्शन भी उस कानून के हिसाब से उसको दिया जाता है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि भारत में जो पेटेंट है, पेटेंट का कानून है 1970 का कानून, 1970 का कानून है, और इस 1970 के कानून की जो धारा नंबर तीन है, पेटेंट लॉ धारा नंबर तीन, उस धारा नंबर तीन के हिसाब से जो आप कोई भी ऐसे कॉमन चीज के माध्यम से कोई प्रोडक्ट या कोई प्रोसेस बनाते हो तो ऐसी स्थिति में आपको वहां पर जो पेटेंट मिलेगा वो पेटेंट जो है आपको नहीं मिलना चाहिए। और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को इसीलिए जुलाई 2023 के बाद इनका जो है पेटेंट की जो अवधि थी समाप्त हो रही थी, जो भारत ने कमिट किया था उसके आगे उसको बढ़ाया नहीं जा सकेगा। चलिए ये आपका खत्म हो गया, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें यह है कि भारत में पेटेंट कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, टू विच प्लेस द ऑफिस ऑफ पेटेंट, टू विच प्लेस ऑफिस ऑफ पेटेंट हेडक्वार्टर ऑफ पेटेंट इज लोकेटेड इंडिया, भारत में पेटेंट का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए भारत में पेटेंट कार्यालय के मुख्यालय की जहां तक बात है तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि भारत में पेटेंट का कार्यालय नई दिल्ली में भी है। पेटेंट का जो कार्यालय है वो भारत के नई दिल्ली में भी है, चेन्नई में भी है, मुंबई में भी है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। आपको याद रखना चाहिए कि भारत के चारों महानगर में पेटेंट के कार्यालय है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है इसका जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय भारत में खोला गया है। Of which of the following international organization office is being opened in India? जिसका अंतर्राष्ट्रीय संगठन कार्यालय भारत में खोला जा रहा है, ए है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, दूसरा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्लान, और तीसरा जो है वह है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो यूनाइटेड नेशन आपका पॉपुलेशन डेवलपमेंट यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट यूएनडीपी हो गया, तीसरा होगा आईएमएफ, और चौथा आईएमएफ से कोई भी नहीं, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं यहां पर, कोई बात नहीं सॉरी। तो यहां पर देखो आईटीओ, मैं बता दूं भारत में अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, अभी मोदी जी ने कल के दिन यह घोषणा किया कि भारत में 6G के रिसर्च के लिए और भारत को इंटरनेशनल क्षेत्र में और आगे बढ़ाने के लिए जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है आईटीयू है, इसका कार्यालय जो है वह खोला जाएगा भारत के नई दिल्ली में। इसका आईटीयू मतलब हो गया इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय आपका दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। तो आईटीयू के बारे में बता दूं कि 1865 में इसको खोला गया था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के रूप में। आईटीयू का उसमें भी नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, 1865 में तो खोला गया। और यह जो है अगर बात करेंगे तो दिस इज द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड यह दुनिया का सबसे या सबसे दुनिया का सबसे प्राचीन अंतरराष्ट्रीय संगठन है आपका इंटरनेशनल टेलीकॉम्युनिकेशन यूनियन। इसका जो हेडक्वार्टर है यह जिनेवा में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में स्थित है। तो इस प्रकार से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का क्षेत्रीय कार्यालय भारत में खोला गया है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा AITU। और किसके लिए खोला गया है, तो मुख्य रूप से 6G में जो छठा जनरेशन के मोबाइल फोन है उसमें हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। जो 5G है इससे आपको लगभग 10 गुना से भी अधिक स्पीड में हम लोग मैटर्स को डाउनलोड कर पाएंगे। अब इस प्रकार से इसके लिए हम लोगों ने यह जो है भारत में जो है इसका ITU का ऑफिस जो है यह अभी अभी दिल्ली में खोल दिया। भारत में किस टेलीकॉम कंपनी के द्वारा सबसे पहले 5G सेवा शुरू किया गया था, बाय विच कंपनी इन इंडिया टेलीकॉम कंपनी ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल 5G सर्विस वाज स्टार्टेड। 5G सेवा भारत में किस टेलीकॉम कंपनी द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था, आपको बताना मैं चाहूंगा कि देखिए जैसे कि भारत, जैसे हम बात करेंगे कि अगर 5G की बात की जाए तो साउथ कोरिया दुनिया का पहला देश है जिसने 5G टेक्नोलॉजी जो लेकर के आया, और भारत ने भी अभी 2 अक्टूबर 2022 को 5G सेवा की शुरुआत की। और इस सेवा की शुरुआत जो है भारत के 7 शहरों में एक साथ किया गया, और इसको शुरू करने वाली जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है एयरटेल, उस कंपनी का नाम है एयरटेल। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो जो 3 शहरों में शुरू किया गया था उसमें से उत्तर प्रदेश का एक शहर भी है वाराणसी। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जगह पर सबसे पहली बार 5G सेवा शुरू की गई, तो आपका 5G सेवा जो शुरू किया या फिर ने उसने भारत में दिल्ली मुंबई और में तो किया ही किया, लेकिन उसने वाराणसी में भी यह सेवा जो है शुरू की। तो भारत में किस टेलीकॉम कंपनी द्वारा सबसे पहले 5G सेवा शुरू किया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका एयरटेल, और इसके बाद फिर जियो ने भी इस सेवा को शुरू कर दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। संयुक्त राष्ट्र संघ के ताजा रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत लोगों को पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, ए 26%, बी 42%, सी 48% और डी है 52%। देखो आपको पता है कि 22 मार्च को हम लोग प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस का कॉन्फ्रेंस भी चल रहा है जिसके बारे में क्वेश्चन मैं आपको मंडे को जब आपको क्लास लेके आऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो यहाँ पर बताना चाहूंगा अभी ताजा रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया में आने वाले टाइम में, जैसा कि अर्थशास्त्री ने भी कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी के कारण से होगा, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ठीक से पीने का पानी मिल पा रहा है। और यदि हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के ताजा आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में 26% ऐसे लोग हैं जिनको पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। There are 26% people in the world who are not getting potable water for to drink. यह जो है लोग हैं जिनको not getting Potable water to drink, इन्हें पेयजल इनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ताजा रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत लोगों को पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो आंसर हो जाएगा 26% लोग। चलिए अब यही तक आज के क्वेश्चन दे देते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है। तो हम लोग अपने नेत्र को बंद करके और इसके बाद एक बार फिर से क्या करेंगे, वैदिक मंत्र का उच्चारण करेंगे। हरि ओम ओम त्रयम्बकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षे मामृतात्। थैंक यू एवरीवन। मैं आपको बता दूं कि कल और परसों मतलब सैटरडे और संडे 2 दिन जो है वो आपकी छुट्टी रहेगी। मैं 5 दिन की सिर्फ क्लास लूंगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन क्लास लूंगा, बाकी बाद 2 दिन आप भी पढ़ाई करते रहो, अपने नोट्स बनाओ। और देखो मैं PDF जो आपके करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा हूँ उसका PDF ऑलरेडी मैंने बना रखा है। तो आप लोग से मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो ये नंबर आप लोग ये जरूर आप लोग इसको ये जो नंबर आपको मैं दे रहा हूं
तो ये नंबर ये आपके ये इसका टेलीग्राम का नंबर है जिसपे आपको मैं अपने मैटर डाउनलोड कर अपलोड कर दूंगा, आपको डाउनलोड करना। 91-40-68-72-92 this is my telegram, this is my टेलीग्राम नंबर, यह मेरा टेलीग्राम का नंबर है। आप लोग इस नंबर को सर्च करके इस नंबर पर जो मुझे जो है आप लोग यहां पर जुड़ जाओ और मैं आप लोगों को यह जो ये है मैं आप लोगों के मैटर जो है अपलोड कर दूंगा और आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड नाइट, नमस्ते।